लेसन नंबर 6 है, सबक का उन्वान है चिड़ियाघर की सैर। शुरू ये सबक अब शुरू होता है। आज स्कूल की छुट्टी थी, हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी। छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, सभी लोग घर पर थे। वो हामिद और उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने ले गए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? बच्चों को जानने की ख्वाहिश होती है, नई नई चीज़ों को देखते हैं, या चिड़ियाघर में नए नए जानवरों को बच्चों ने देखा तो उनके दिलों में ख्वाहिश पैदा हुई और अपने अब्बू से उन्होंने पूछा कि चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं। कुछ जानवर अपने मुल्क के हैं और कुछ दूसरे मुल्कों के हैं, हामिद के अब्बा ने बताया। इनमें कुछ ठंडे मुल्कों के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। इनमें कुछ जानवर ठंडे मुल्क का है और कुछ गर्म मुल्क का है। अल्लाह ने हर मुल्क के मौसम को अलग अलग बनाया है और उसके लिहाज से जानवरों का जिस्म भी बनाया है। उसे रहने के लिए वैसा माहौल अल्लाह ने बनाया है ताकि वो उसमें ज़िंदा रह सकें और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये क्या है अब्बा जान? हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये पांडा है, उन्होंने बताया। ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। देखो उसके जिस्म पर कितने घने घने बाल हैं जो उसे सर्दी से बचाते हैं। अल्लाह ने ठंडे मुल्कों में रहने वाले जानवरों के जिस्म पर मोटे चमड़े दिए हैं और बहुत ज़्यादा बाल उगे हुए होते हैं ताकि सर्दी से उसे निजात मिल सके, सर्दी से वो बच सके। गर्मियों में उसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए चिड़ियाघर में उसके पिंजरे गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बांस की हरी सब पत्तियाँ, नरम घास और सब्जियाँ शौक से खाता है। उसे पांडे को फल, बांस की हरी हरी पत्तियाँ, नरम घास और सब्जियाँ बहुत पसंद हैं। कटहरे में बना हुआ पिंजरा उसके रहने का घर है। और आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नज़र आया। हामिद ने पूछा, अब्बा इसका क्या नाम है? ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है, ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंगारू बड़ा होता है, इसलिए उसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे में रखा गया है। उसकी दुम लंबी होती है। तुम कंगारे के पेट पर बनी थैली सी देख रहे हो ना, ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। अल्लाह ने कंगारू के पेट में एक थैली बनाया है जिसमें वो अपने बच्चे को रखकर बहुत तेज़ दौड़ सकती है। इसमें बच्चे को बैठाकर यह खूब तेज़ भाग सकता है। कंगारू फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और नरम नरम घास खाता है। उसको गेहूँ पसंद है, गेहूँ इसकी मरहूब ग़ज़ा है और ये गेहूँ खूब पसंद करता है। अच्छा चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफ़ेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया, ये सफ़ेद शेर है, ये रीवा के जंगल में पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। देखो उसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची बाड़ बांधी गई है। सफ़ेद शेर हिंदुस्तान में सिर्फ रीवा के जंगल में पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। वो देखो तालाब भी है, गर्मी लगने पर तालाब में जा बैठता है। एक बड़ा सा पिंजरा भी उसके लिए बना हुआ है। शेर गोश्त खोर जानवर है, ये गोश्त खाता है। सब्जी इसे पसंद नहीं है, ये गोश्त बड़े शौक से खाता है। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। अब्बा जान ज़रा इधर देखिए, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है? हामिद की बहन ने पूछा। यह चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है, ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता,
यह ठंडे मुल्क से लाया गया है, उसे गर्मी बहुत सताती है, इसलिए इसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। गर्मी ये थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसके पिंजरे को ठंडा रखने का मुनासिब इंतज़ाम किया जाता है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। उसे दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है। इसे बड़ी भूख बहुत भूख लगती है और ये दिन भर में कई मरतबा खाता है, इसलिए इसके खाने का भरपूर इंतज़ाम किया जाता है। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटहरे में उछल कूद रहा है। थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर, छलांगे मारते हुए हिरन और चिंगारते हुए हाथी भी दिखाई दिए। आगे बढ़े तो बारहसिंघा, चीतल, रीछ और जिराफ भी नजर आए। तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़ियाँ और तोते देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए। चिड़ियाघर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अब्बा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार पड़ जाएँ तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा, उनके पिंजरों और कटोरों को रोज़ाना साफ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। खाने में मुनासिब ग़ज़ाएँ दी जाती हैं और कभी कभी ऐसी दवाएँ भी दी जाती हैं कि ये बीमार ना पड़े। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाए तो उसे जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाकर खुशी खुशी घर लौटे। ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। अगले क्लास में अगले दिन हम लोग वर्ड मीनिंग और सवालात वगैरह देखेंगे। कुछ मुतजाद अल्फाज में दिए हुए हैं लेसन में, इसको बनाएंगे हम लोग और फिर दूसरे दिन